लिंग का टेढ़ापन ठीक कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में मैं बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में पिछले 39 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। काफी लोगों का सवाल ये आता है कि लिंग हमारा टेढ़ा है, उसको सीधा करना है। तो मैं हरदम ये बोलता हूं कि टेढ़ा लिंग जो है वो समझो 10 डिग्री है, 10 डिग्री, थोड़ा इधर थोड़ा इधर। हो सकता है कि लिंग बाएं तरफ झुका हुआ है, टेढ़ा है, हो सकता है कि दाहिने तरफ है, हो सकता है कि ऊपर है, हो सकता है कि नीचे है। तो उसका कुछ नहीं करने का है, थोड़ा सा रहा तो, क्योंकि वो टेढ़ापन रहता है, एकदम सीधा ऐसा नहीं होगा इरेक्शन के बाद में। उससे कुछ नुकसान भी नहीं होता है, उससे इंटरकोर्स में भी प्रॉब्लम नहीं होता है। मगर यदि बहुत ज़्यादा टेढ़ापन है कि इरेक्शन होने के बाद में टेढ़ा हो रहा है और अंदर नहीं जा रहा है, योनि में नहीं जा रहा है, या जाता है तो फिर तकलीफ हो रही है, तो फिर उसका इलाज करना होगा। ये बहुत ज़्यादा टेढ़ा जो होता है वो इसलिए होता है कि एक स्कार फाइब्रस टिश्यू, ऐसा मोटा सा एक थिक बैंड या स्कार टिश्यू लिंग में तैयार हो जाता है। क्या है कि लिंग में बहुत ही स्पंज जैसे टिश्यू लिंग में है, मतलब उसमें यदि एक ऐसा कड़क टिश्यू तैयार हो गया तो फिर वो उस समय झुक जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। ये कैंसर नहीं है, ये नॉन कैंसरस कंडीशन है। मगर वो टिश्यू तैयार, मतलब कड़कपना तैयार हो गया एक जगह, एक फाइबर जैसा तैयार हो गया, कड़कपना तैयार हो गया, तो फिर उससे तकलीफ हो सकती है, उससे दर्द हो सकता है। सेक्स के समय दर्द हो सकता है, जब इरेक्शन होता है तब दर्द हो सकता है, और कभी कभी इरेक्शन होने के बाद में यदि इंसर्शन प्रॉपर नहीं होता है तो फिर इंटरकोर्स भी नहीं होगा। उसका कॉम्प्लिकेशन ये है कि यदि इंटरकोर्स प्रॉपर होता नहीं है और सीमेन मतलब वीर्य यदि अंदर नहीं जाता है तो बच्चा होने में प्रॉब्लम आ जाएगा, दर्द करता है, और यदि बहुत ज़्यादा टेढ़ा है तो फिर औरत को भी तकलीफ हो जाएगी। अब ये होता क्यों है? तो एक तो कंजेनाइटल कारण है। कंजेनाइटल मतलब पहले से ही वो स्कार टिश्यू है, उसका कुछ नहीं करना है, उसका स्कार टिश्यू का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है तो चल जाता है वो, एकदम ही प्रॉब्लम है। पायरोनिस डिसीज किसको बोलते हैं? पायरोनिस डिसीज उसको बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा टेढ़ापन है, एकदम इतना ऐसा टेढ़ा हो गया है, तो थोड़ा सा इधर उधर चल जाता है। तो पायरोनिस डिसीज यदि है तो फिर उसका इलाज करना पड़ेगा, और वो हो सकता है कि वो बचपन से वो स्कार टिश्यू है और वो पायरोनिस डिसीज है। दूसरा, बार बार सेक्स करने में यदि लिंग को इंजुरी हो जाती है, कॉर्पस कैवर्नोजा जो मसल्स है, स्पॉन्जी टिश्यू, उसको यदि इंजुरी होती है बार बार सेक्स में, तो फिर वो स्कार टिश्यू तैयार हो सकता है। या पेनिस को यदि कोई अपघात हो गया, मतलब एक्सीडेंट हो गया और वहाँ मार बैठ गया, तो वहाँ से भी वैसा हो सकता है। उसका इलाज करना जरूरी है यदि वो सेक्स करने में तकलीफ देता है। तो कोलेजिनेज ये ड्रग है, ये दवाई है, उसका इंजेक्शन उसमें देते हैं तो उससे वो पायरोनिस डिसीज या स्कार टिश्यू ठीक होने में मदद हो सकती है। कोलेजिनेज से वो जो स्कार टिश्यू है वो ब्रेकअप होने में मदद होती है, और यदि ब्रेकअप हो गया तो प्रॉब्लम आता नहीं है। तो उसका इलाज तभी करना है जब सेक्स करने में तकलीफ है, सेक्स होता ही नहीं है, ऑर्गेजम नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है उसकी वजह से, रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो डेफिनेटली इसका इलाज करना है। यदि बाकी थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो उसका इलाज करना नहीं, उसको हाथ लगाने का नहीं है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी।
ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।